Subscribe now and press the bell icon. चलो चलो बाजू बाजू चलो हटो पीछे बजोड़ो बजोड़ो चलो तो सर्च कर ये बॉडी को नहीं पाई पहले सर एक गड़बड़ है ये तो ये वही डेड बॉडी है जो हमने 5 दिन पहले मार के वो पानी में डाला था ना पता नहीं कैसे यहां गई सर इसने लाश निकाली ये सगड़ा पटन गया चलो तैरना किसने सिखाया तेरे को वो बाबा ढूंढने लाते हैं ना तो उनके साथ ही लाश नीचे से मिली नीचे गोता मार के निकाली क्या अरे नहीं वो तो पानी में बहती हुई जा रही थी तो मैंने पकड़ ली देखा लाश के अलावा और क्या मिला बस लाश लाश देखा इधर आ अबे इधर आ तू क्या मिला तुझे सर लाश 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 कुछ नहीं मिला तुझे समझा क्या बोला मैंने कुछ नहीं मिला बोला कुछ नहीं मिला हाँ कुछ नहीं मिला समझ गया ठीक चल भाग यहाँ से जंजीर से बांध के इसे गहरे पानी में फेंके थे गहरे पानी में फेंके थे तो भोसड़ी के ये क्या है सर वो जंजीर टूट गई होगी और ये ऊपर आ गई और 2 दिन पहले जो बारिश हुई तो बहते बहते इधर आ गई तेरी जात का पैदा मरण साले एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग वो पिछली बार भी फैक्ट्री में तेजा में डाली थी ना बड़ी 2 महीने के बाद रेड हुई साली 4 हड्डियां मिली वहां से दो उंगली की और खड्डा खोदो और इसको दबाओ जल्दी से यहां पता चल गया ना कि कितने के बिना बॉडी है तो ठीक है देख क्या रहे हो हेलो क्या ये पाटिल एड्रेस नोट कर C35 mud. हो सर साला खोलेगा नहीं क्या क्या चाहिए सर तेरी माँ का क्या चाहिए इधर ए नरेला साला करे यार कुछ नहीं सर बोलो ना आपको कुछ चाहिए तो मैं देता ना सर सर छोड़ दो ना सर तू देखा नाटक करता कुछ नहीं है नाटक देला तू जाते मी
इसको आप लोगों के बारे में कितना मिला? कितना? 8,000 इस बार तो। इस बार किसके लिए लाया तू? अरे साहब, अपने तो वही है ना, पुराने लोग, वो यचोरी सेठ और वो गोवर्धन भाऊ। और किसके लिए लाएगा साहब? तू मैनेज कैसे करता है? कहाँ से? साहब वो क्या है ना कि अपना एक एजेंट है, वो अपना यूपी बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे काम करता है। अब वहाँ पे उसको जो मस्त लड़की दिखी ना और जो उसकी लिस्ट में चढ़ी, तो समझो वो बॉम्बे और दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है। वो बोलते हैं ना साहब, एकदम से क्या बोलते हैं, हाँ कौला ब्यूटी, हाँ बूटी बूटी बूटी, थाईलैंड दुबई सिंगापुर सब जगह जाती है साहब, डॉलर आता है ना साहब उधर से। ये वाला कांड में अंदर जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरा पैकेट लाया क्या? हाँ कब देगा? लाया ना साहब। जब मेरी चिता को आग लगेगी तब? साहब वो एक 18 साल की है, आप बोले तो। चौदह साल की है क्या? क्या साहब आप भी अभी लेके आया? पूरी है? हाँ 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 है ना साहब। चले जन बना जा, चल। ए तुम लोग चाय पियो। जी साहब। ठीक है साहब। साहब आपके लिए ना एकदम स्पेशल माल मंगाता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना। माल कहाँ है? है ना साहब, आ रहा है। कब आएगा? ए भाई ये लो साहब। एक कम है। अरे साहब कभी तो हम लोगों के ऊपर थोड़ा तरस खा लिया करो। अगली बार। समझ गया, समझ गया बिल्कुल। भाव ये लड़की चलेगी? अबे साला चूतिया है क्या, यहाँ क्यों लेके आया इसको? अंदर लेके जा, कमरे में रख, चल। सॉरी साहब, वो क्या है ना कि आए दिन ये लोग कोई ना कोई चूतियापा करते ही रहते हैं, कितना भी समझाओ सालों को समझ में तो आता नहीं है। खुली है क्या? हाँ साहब, वो मेरा बंदा है ना, वो बता रहा था कि आजमगढ़ में इसका कोई फ्रेंड है, तो 2-3 बार तो मजा लिया ही होगा। हाँ और वहाँ पे कोई लॉज देते हैं ना भाड़े पे, वहीं मिली तो मेरे बंदे को ये, और उसकी नज़र में चुभ गई, उसने बोला ये तो। इसलिए मेरे पास आ गई साहब। किसने किया था? साहब मैंने किया था। ये मेरे अब्बा हैं। कल ही शाम को मशीन लेकर आए थे किराए पर। किसे? वो सिटी में सरदार जी है ना, वो देते हैं रोज के किराए पर। देखो ना साहब कितनी जोर से मारा है, हमें सुबह ही पता चला, कुछ हो जाता तो साहब। क्या हो जाता? हो जाता तो क्या, कुछ हुआ क्या? नहीं ना, फिर रोना मत कर। ये मशीन चलाता है? साहब अब्बा चलाते हैं और हम भी। ये नोट कर रहे हो सर? तंबे जरा देख के कोई सुराग मिलता है कि नहीं आसपास। यस सर। है? बता मेरे को। आ,
ये इसके अंदर आदमी घुसता है क्या? जी सर। आदमी घुसता है क्या इसके अंदर? किसी को काटा है कभी? नहीं सर, नहीं, नहीं सर। जानवर जानवर घुसता है? जी नहीं सर, मैं बड़ी सावधानी से काम करता हूँ सर। आपने किसी को देखा? जी नहीं जनाब, मैं तो सो रहा था, किसी ने जोर से मेरे सिर पर वार किया और फिर मेरी आंख सुबह ही खुली। चरस मारता है क्या? जी। ए यार पूछ। अरे साहब पूछ रहे, रात में चरस मारी थी क्या? नहीं नहीं साहब, ये सब कभी नहीं। तो बोलना। कभी नहीं साहब। करे करे अम्मी बोलते साहब। ए चला चला, ए चला, चलो अपना काम करो, चलो 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 अपने घर पे, चलो निकलो ऐसे, निकलो चलो चले चल। सर मैदान में मांस पूरा कीमे के जैसा फैला हुआ है, वो तो दिख रहा है। और सर ये मिला है, इसको रख, बाद में लेना मुझे। और सर पंजरा में मत डालना। यस सर। ठीक है सर। डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर है और बिहार से हैं और अथॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी में ऑफिस अकोमोडेशन पे रहते हैं सर, और ये मुंबई थाना डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के अंडर आता है सर। और सर 8 जूनियर इंजीनियर उनको रिपोर्ट करते हैं और वो सीधा मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करते हैं सर। अच्छा सिगरेट सर प्लीज, नो स्मोकिंग जोन सर प्लीज सर। तेरी मां क्या है ना, छोड़ने की बहुत कोशिश की, छुट्टी नहीं। नरेश नारकर, सरकारी काम सरकारी होता है, अब आप भी सरकारी मुलाजिम हैं हमारे जैसे, तो तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों भाई? सर सर पर हुआ क्या है सर? होना क्या, कुछ नहीं। हम बस यूं ही आए थे पता करने, कुछ जानकारी हासिल करनी थी। ये यतीम जो है मतीन? हाँ मतीन। मतीन के साथ नहीं है सर? वो आज तो नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। सर ये इधर ही बैठते हैं। ये इधर। जी सर। अगर मैं कैबिन देखूं तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? अरे सर मैं क्यों बुरा मानूंगा सर, प्लीज आइए सर। सर सर सिगरेट प्लीज। थैंक यू सर।
क्यों ना आएगा? हाँ सर। जी साहब। फोटोकॉपी मशीन आएगा? हो साहब। कुटे? बाहर है। ना। जी सर। थम्बे। यस सर। फोटोकॉपी कार्ड। जी सर। ओ, क्या मकान नंबर बोला आपने? निकोल पाटिल पाटिल बग बग तो सर। खुल गया सर। ए पाटिल सर भाग कर बैठ तो का। हो सर। तू जा देख। सर ये पैसे मिले? माइंड कर। ये पटेल सर तिफाइल की नहीं है। ठीक है सर। तंबे हाँ सर। ये मिनिस्टर मध्यदीश है ना, इसके घर और ऑफिस के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरा है ना उसका 10 दिन का फुटेज चाहिए। ठीक है सर। और वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका भी। हाँ सर। डिफाइन साहब आप मुस्कुरा रहे, कोई जुगाड़ बन गया क्या? जुगाड़? ए पाटिल तू कभी पतंग उड़ाया क्या? हो ना सर, बचपन में बहुत पतंग उड़ाता था। और सड़क पे पतंग लूटा ना? हो ना कई बार। कभी तू सोचा कि किसका पतंग है, कहाँ से आया, किसने काटा, कैसे आया? नहीं ये कभी मैंने सोचा नहीं साहब। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। आ गया। रोक जुमर। ये कौन सा कैमरा है? सात सात नंबर कैमरा। 3 बजे चला गया सर। अबे 5 बजे के बाद नहीं यार, उसके बाद अगले दिन पे चलना। जी सर। हाँ चल। ये थमा ना, थमा। फोन करता हूँ मैं तेरे को। इसको भी इसी वक्त फोन करना सर। चल। ये कौन सा है? 4:15 कैमरा नंबर 9। उसके फोन का कुछ पता चला? हाँ सर, वो 2 फोन नंबर रखता था। ए पटेल क्या 2 फोन? हो सर 2 फोन नंबर। एक फोन नंबर का रिकॉर्ड तो मिल गया जो इस्तेमाल करता था, और दूसरे फोन का रिकॉर्ड तो उसके साथियों के पास भी नहीं मिला। अगले। हाँ 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 रुक जुमर। और जूम कर सकता है? जी। क्या है ना, कई लोगों से खुद का जुकाम तो ठीक होता नहीं, शहर की बवासीर का इलाज करने चले जाते हैं। अरे कोई अरे कोई इसको लॉक कर। जी सर। इसको कॉपी दे मेरे को। आ जाइए, आपको बुलाया। आइए इंस्पेक्टर साहब बैठिए। बताइए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? अरे सर सेवा तो हम करने आए।
बस यूं ही गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिल लेंगे, दर्शन हो जाएंगे आपके बस। बोलिए। सर वैसे बातें और भाषण दोनों में थोड़ा कमजोर, पर कहते हैं जब मधुमक्खी का छत्ता हटाना हो ना तो सिर्फ छत्ता हटाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। बूझो तो जाने, बचपन में खेलते थे हम, उम्र भी थी, अच्छा भी लगता था। मतीन खान की लाश मिली है। चाय अदरक वाली पियेंगे या इलायची वाली? नेताजी सिनेमा देखते हैं आप? फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी? आपकी कौन सी? माटी मांगे खून, धर्मात्मा। जानता था इलायची वाली चलेगी। इलायची वाली जी। अब आपको कुएं की गहराई का पता चली गया है तो रस्सी का नाप भी बता दीजिए। अरे रस्सी का नाप तो गर्दनों से लिया जाता है नेताजी, हम तो यहां गर्दन बचाने आए हैं। अब आप बताइए, शेर बकरी से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पर शेर शेर से दोस्ती करेगा तो दोनों मिलके बकरी खा सकते हैं, है ना? तो जो आप बकरी को दे रहे थे वो हमें दे दीजिए। वैसे आपके लोग जो हैं वो कुछ सही नहीं, मेरा मतलब अनप्रोफेशनल, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब नहीं, कायदे से देखा जाए तो मुझे यहां होना ही नहीं चाहिए था, मतीन खान की लाश मिलनी नहीं चाहिए थी। पर अब पंक्चर लगाने वाले को आप कील देंगे तो वो सारे रास्ते पे बिछाएगा ना, और हम तो प्रशासन के सेवक हैं। भाई लाइसेंस भी आप ही ने दिया है, कील भी आप ही ने दिया, तो यूज करिए ना। वो लाश नहीं मिलनी चाहिए थी। दोनों को अंदर भेजो। क्लीनर को तुम पुराने किले पे ले जाओ। बेबी मैं ना आपको ना आपके लेग से ना धीरे धीरे हाथ ऊपर करते हुए गिली गिली किससे गा रहा हूँ आपको। बेबी आप ना, मैं ना आपको ना, बेबी आई लव रेड कलर, आई लव रेड कलर। बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल। बेबी मैं ना आपको ना आपके नेक में ना, बेबी कर लो ना प्लीज, प्लीज बेबी, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू। और ना मैं ना आपको ना ढेर सारी किसी करूँगा गिली गिली। बेबी अपना मैं ना आपके नेवल पे। ओके बेबी बाय, मैं बाद में फोन करती, मम्मा आ गई। मम्मा भी होगी, मम्मी कहाँ से होगी? बेबी तुमने यहाँ वेट करो, मैं फ्लैट का लॉक खोल के सब कुछ अरेंज करके तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, यही रुकना, पक्का ना? ओके ओके चलो। हेलो, ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ जाओ बेबी, आ जाओ। साला ये तो अपना जाए है ना भाई, ये हमेशा नया नया मामला फिट कर लेता है एकदम। ये यार भैया सिगरेट देना यार एक। हाँ जी। ह
अरे क्या हाल है भाई तेरे? बढ़िया मेरी जान, फर्स्ट क्लास। तुम क्या क्या कर रहे हो? बस हम भी बढ़िया है, बस ऐसे ही। सिगरेट पिलाएगा? सिगरेट दो सिगरेट देना भैया। और बता, जॉब वॉब लगी तो क्या? बस ऐसे ही घूम रहा है आजकल। जॉब वॉब कहाँ करनी यार, तुझे पता ही है चाचा जी ठेकेदारी करते हैं, वही बस उनके साथ चला जाता हूँ, 2000 पैसे ले आता हूँ जेब भर के। ठेके ले रहा है तू, हमें पता है भाई। बस दिखा रहा हूँ तुझे लौंडे के साथ बाइक पे। मुझे पागल ना तेरी? अरे पागल अभी साले चूतिया बना रहा। नहीं नहीं पागल, मैं तुझे पता है स्कूल टाइम से ही गर्लफ्रेंड का चक्कर में पता था बचपन से ही है। देख देख सिगरेट से जल जाएगा पागल, इसलिए तो तेरे पास आए। बड़ा झकास आइटम लेके घूम रहा था, बल्लू घर जा रहा था ना तू? हमें पता है मस्त आइटम है तेरी, इंस्पेक्टर की लौंडिया है ना। फोटो फोटो खींच रहे थे मेरी क्या बेटा? ऐसा है ना कि जब मंदिर में कीर्तन होता है तो मुल्ला के घर पे भी आवाज जाती है, और तू तो साले रात भर जगराता कर रहा था उसके साथ। कितने पलक तोड़े बोल बोल ना भाई। अब इसी काम से तेरे पास आए हैं। देख भाई, तू तो यार बचपन से गोपियों में खेल रहा है, अपने भाइयों का भी कुछ भला करा दे। और इस साले ने तो कितना थप्पड़ भी खाया स्कूल टाइम में तेरे लिए। अरे पागल हो गया, ऐसे थोड़ी ना यार। अबे होगा ना यार, अबे अरे मेरा अच्छा लगा। सुन अरे अच्छा नहीं लगता। सुन ले यार, ऐसा मत बोल यार। क्या बोल रहा है तू? हम तेरे दोस्त है भाई, और वो तो बस एक लड़की है। और तूने वो कहावत नहीं सुनी है? बस ट्रेन लड़की आती जाती रहती है, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अबे क्या सोच रहा साले, करना हमेशा तेरे साथ रहेंगे भाई। एक बार चक्कर चला दे भाई, दिला दे सना। सच में जब से तूने अकाउंट खोला है ना भाई, बावला हो गया। हमारा भी डिपॉजिट करवा दे भाई। अरे यार चूतिया बना दे तुम लोगों ने बिना बात किया। तुम्हारे चक्कर में मुझे मिलनी बंद होगी यार, तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए। अबे छोड़ ना, रो रहा है लौड़ू। हैं तेरे पास लड़कियों की कमी क्या है भोसड़ी के? हमारी तरह लुक्का थोड़ना है तू। पर एक बात बताऊं, बड़ी टाइट माल थी यार। भाई वो बात नहीं है यार, बड़ी बड़ी मुश्किल से पटाया था उसे भाई। 4 महीने से कुत्ते की तरह लुरु लुरु करते हुए घूम रहा था उसके पीछे, और तुम्हें 1 महीने के बाद ही लेके आना चाहिए था बीच में। अच्छा तो साले सारा दस तू चूस लेता और हमें सिर्फ रुमाली रोटी मिलती है। अरे नहीं यार, वो तुम कमाल है यार। कमाल तो थी यार। हेलो हेलो सना, बेबी कहाँ हो तुम? अच्छा मेरी शादी हो रही है। है क्या बात कर रही हो? लेकिन बेबी बेबी ऐसे बेबी ऐसे कैसे शादी हो सकती है? मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने पहले से कोई लड़का पसंद किया हुआ था और मुझे भी 1 हफ्ता पहले ही बताया, और 3 दिन बाद मेरी सगाई है। अच्छा तुम्हें पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बेबी बेबी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बहुत सारा। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। बेबी प्लीज रोना बंद करो जानू, जानू प्लीज रोना बंद करो। देखो ऐसे मत करो प्लीज। बेबी जो हुआ सब कुछ भूल जाओ। हाँ बेबी मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा ना जाने दूंगा, कैसी बात कर रही हो? तो मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा बेबी मेरे पास ना एक प्लान है बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं। कहाँ? नागपुर नागपुर। लेकिन नहीं नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मेरे अंकल का फार्म हाउस है वहाँ पर। हाँ अरे तो कुछ कुछ दिन वहीं रहेंगे, उसके बाद देख लेंगे फिर जैसे भी होगा। तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे किसी से शादी नहीं करनी। हाँ तो फिर एक काम करूँ, मैं ना परसों तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। हाँ बेबी कपड़े वपड़े बांध लेना फिर चलते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आई लव यू जानू। आई लव यू बाय। आई लव यू। अभी कुछ भी ना करो, प्लान क्या तेरा? अच्छा बताओ प्लान क्या है? उसके फार्म हाउस पे ले चलेंगे ना, तब तक अय्याशी काटेंगे 1-2 महीने, उसके बाद करेंगे पैसे खत्म हो गए। अबे एक प्रॉब्लम है। क्या? साले उसका बाप जो है ना सब इंस्पेक्टर है, बंदूक है उसके पास। बंदूक? अरे तो बंदूक है तो अपन भी कुछ इंतजाम कर लेंगे। करने के नाम रिवॉल्वर का इंतजाम हम भी कर लेंगे। हाँ तो ठीक है फिर चल, फिर क्या? इस बार फिर से चल 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 चल। जितनी औकात है ना तुम्हारी हम सब जानते हैं, वो जमीन हमने ही खाली करवाई है और कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। हाँ क्या कंप्लेंट करोगे? करो कंप्लेंट, करो कंप्लेंट। ये कंप्लेंट कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा। 46 केस दर्ज है बलकेश्वर पर, बड़े बड़ों ने झंडा गाड़ने की कोशिश करी पर कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया। और जिनके बल पे ये उछल रहे हैं ना उनको तो कोर्ट में जज के सामने मारूंगा। और अपने सेठ से कह देना जिनमें गुदा हो वो जमीन लेके दिखाए हमसे, पिछवाड़े में ऐसी गोली मारूंगा कि अतड़ियों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
समझे? प्रणाम चाचा जी। आ गए? बैठो। कहाँ गायब था इतने दिन से? तुम्हें तो गुप्ता बिल्डर के यहाँ से पैसे लाने भेजा था ना? चाचा जी वो थोड़ा सा ना व्यस्त हो गए थे तो जा नहीं पाए। तुम्हारे कारण मेरे धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। अगर काम नहीं करना है तो ना कर दो, किसी और से करवा लेता हूँ। वो काम भी करेगा और मुफ्त की रोटियां भी नहीं तोड़ेगा। आए थे यहाँ? नागपुर जा रहे हैं ना एक महीने के लिए, वो अपने बलिराम मामा जी है ना उन्हीं के पास। सर महिंद्रा इंफ्रा कौन से कॉल है, वो हमारी कविनगर वाली जमीन के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी तो क्या करें, तार भेजें हैं या कार छपवाएं? अगर तुम हमारे भतीजे ना होते ना तो अब तक तो देखो सुधर जाओ, आखिरी बार बोल रहे हैं समझे। हाँ बहन जी क्या हाल चाल है? अरे भाई जमीन तो आप ही की है, 25% पेशगी पहुंचा दीजिएगा बस। और आपका आज भी मार ही नहीं रहा था। अरे भाई हम धंधे वाले लोग हैं और धंधे में चापलूसी और धोखाधड़ी नहीं चलती। अब तुम ये बताओ कि हम आए या तुम आओगे या आपने आदमी भेजे या कैसे काम शुरू करें? फटाफट काम शुरू करवाओ। हाँ अच्छा सा मुहूर्त देख कर नींव डाल दो, ठीक है? हाँ ठीक। क्या हुआ अजय? गाड़ी में कुछ दिक्कत है शायद। ओह माय गॉड अब क्या करेंगे? रुको तो सही। कहाँ जा रहे हो? बेबी गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। कोई चाबी निकाल, चाबी निकाल गाड़ी की। गाड़ी में सना? Thank you.
अरे माँ कसम मार दिया, देख चेक कर इसे जिंदा है कि नहीं है। इसे जिंदा। चलते चलते चल निकल 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 निकल। आजा ना जाए। ये अजय, भाई सुन, ये किसी ने बेहोश लड़की सामने की सीट पे देख लेना, खामखा फंस जाएंगे यार। हाँ यार। इसको पीछे के डिक्की में डालते हैं ना। हाँ चल चल चल। खोलियो। अबे इसमें तो ऑलरेडी बैग भर रखा है तूने। सामान इसमें। अरे निकाल के फेंक देना, कौन सा अपने बाप का है? फेंक परे। ले जा ले। अरे इसकी माँ का। अबे ये तो बहुत भारी है। रुक रुक, आता हूँ। पकड़। अबे पकड़ना। कितना भारी है भी? देख अरे 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 सब क्या? अरे पकड़ पकड़ पकड़। निकाल के फेंक परे। फेंक जाओ से। अरे बाप रे। रुक रुक चल चल। रुक जल्दी चल भाई। उतार लड़की उतार। तू ऊपर से पकड़। पकड़ 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 पकड़। साली बड़ी भारी है बे। आराम से रख, आराम से। बिजली पटापट ले। चल 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 यार। हे अजय, हे अजय सुनना। एक आइडिया आया दिमाग। क्या क्या चुकिया पता नहीं? रुक तो, मैं क्या बताऊं? देख, लड़की तो अपन ने उठा ली है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे एक लॉज है, वहीं रुकते हैं, थोड़ा मजा करते हैं यार। क्या होता है? अबे साले बता ना, और कितनी तेरी ऐसी है भाई? नहीं सच्ची बता ना। जुबान उस तो मैं यार बहुत देख ले, इसीलिए तो बोल रहा हूँ इसके पास और होएगी। अबे सिगरेट चला ले साले। कुछ बोल यार, मुझे लव यू यार। गांडू तेरी वजह से हुआ ऐसा, मजा आ गया। अबे नहा रही है, चुप। अबे हाँ, नहाने पर से एक गाना याद आ गया। क्यों अंदर में नहा के और भी राकेश देखियो कौन है भाई? देखना जाना जा, मैं तेरे लिए शराब वो देखना। कौन है वे? कौन है? रूम क्लीनिंग। चुप 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 चुप। कौन था इन दोनों में से? ये वाला। ए चुप चुप। भैया मैं, भैया मैं गाड़ी में सामान था। हाँ भैया। कहाँ है वो सामान? भैया वो तो फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया था भैया? वो आधे घंटे दूर फेंक। भैया आधे घंटे दूर फेंक दिया था। अरे एक घंटे में वापस नहीं आया, उड़ा दिया उसे। भैया भारी भारी है बहुत। औषधि के फेंकते समय नहीं सोचा था डंडिया में मारू। मार भाई, इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है लोड़ू? अंदर रख। अंदर तेरी माँ का मादर चोर। बात तो है,
बात तो ये भी है कि जब तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो दूसरे मुलाकात की इच्छा मन में पैदा हो गई। बात तो है ना। सुन, क्या नाम है तुम्हारा? करते हैं ना, तुमको भी अच्छा लगेगा। सच कह रहे हैं। अच्छा एक चुम्बन। अब नहीं, चला दो गोली। हाथ सीधा सीधा रख, हाथ सीधा रख। इतने सुंदर चेहरे को टक रखा आठ। कोशिश ही नहीं कर रहा है। देखिए 1988 में जो कमेटी बनी थी उसके रूल बुक सेक्शन 495 एलेंजर ए में साफ-साफ लिखा हुआ है कि टेंडर पास नहीं हो सकता है। नहीं, कॉलोनाइज करने के पहले रोड बनाना जरूरी है भाई। नहीं, आप नक्शा दिखा रहे हैं। देखिए पहले रोड बनेगा, इंस्पेक्शन होगा, तब जाके पास होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके एरिया में कितने इंजीनियर हैं? तीन जूनियर इंजीनियर है ना? आपने किसी से संपर्क किया? नहीं, क्यों नहीं किया? नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, अनुभव जी से बात हुई थी तो अनुभव जी क्या हवा में थोड़ी रिपोर्ट बनाएंगे? देखिए हमारे टेबल पे जो भी एनओसी आता है जूनियर इंजीनियर का, उसमें साफ साफ डिटेल लिखा होता है, एक एक चीज कि कितना डेवलपमेंट हुआ है एरिया का, सारे फोटोज होते हैं, तब जाके पास होता है। देखिए भाई, सरकारी मामला है, हाँ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। नहीं, आप एक काम कीजिए कि हाँ फाइल तैयार करके आप जेई के पास भेजिए, आप फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है। अरे हाँ जी, बताइए क्या सेवा? नमस्कार सर, हमारी एक फाइल है जो पिछले 2 महीने से अटकी हुई है। अच्छा, अगर आप एक बार देख लेते तो। जरूर देखते हैं, हमारा तो काम ही है। जी अरे राम सिंह जी सर, क्या सो रहे थे क्या? 3-4 लेके आओ। ओके सर। अरे तो वही फाइल है, आपको तो नोटिस गया हुआ है ना? सर वो एक मिनट। अरे नरेश, ये खनिजो बिल्डर को नोटिस गया था ना? देखिए सर, जो नोटिस आपको गया हुआ था ना, उस नक्शे में जो आप एरिया देख रहे हैं ना, वो रिवर बेसिंग एरिया है। तो वहां पे आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, वहां पे पक्की बिल्डिंग नहीं बना सकते। बाकी परमिशंस तो मिल चुके हैं ना हमें अथॉरिटी से? देखिए कुणाल जी, आपको जो परमिशन मिला है ना, वो परमिशन आपको मिला है वहां पे कच्चे स्ट्रक्चर बनाने के। आप वहां पे पार्क बना लीजिए, आप वहां पे गार्डन बना लीजिए। क्या है ना कि नीचे की जो जमीन है ना, वो पूरी की पूरी रेत है वहां पे। हाँ, अगर आप पक्की बिल्डिंग बनाएंगे तो धस जाएगी। और आपको पता है कि मुंबई थाने अर्थक्वेक जोन 3 में आता है, तो आप वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। देखिए सर, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो, वैसे भी हम कहां
कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, एक दो फ्लोर का अपना भी फार्म हाउस हो जाता बस। सही है सही है। क्या है ना कि बारिश के मौसम में जब पानी पीछे से आता है तो पूरा बेसिन भर जाता है। 20-20 फुट पानी अगर मेरे कुछ करने से, मेरे लेने देने से अगर पानी रुक सकता है तो मैं जरूर कुछ करूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट। आप एक काम कीजिए, आज हो गया संडे, संडे मॉर्निंग को आप बोरवली स्टेशन पे मिलिए, ट्राई करते हैं कि आपके लिए पानी रुक जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए वकील साहब। जी सर। चाय चाय पी के जाइएगा। जी जी जी। हाँ नरेश जी बताइए। सर ये जो एरिया है ना, उससे सटा हुआ है 3 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट एरिया है। और अभी तक ये एक कच्ची सड़क था सर यहाँ पर। जब रोड बनने की बात आई तो हमने ऑफिशियल प्रोसेस के तहत इसको 20 फुट की लंबी सड़क बनाने का ऑर्डर पास किया था सर। और अब बिल्डर ये कह रहा है कि हम इसको 10 फीट ही बनाएंगे और वो भी सिंगल लेन। अरे इन सब चीजों का अप्रूवल तो पहले से ही ले लेना चाहिए ना। लेकिन सर बात सिर्फ उतनी सी नहीं है, बात ये है कि इस एरिया में ये जो ब्लू वाला आपको एरिया दिख रहा है ना सर, ये गवर्नमेंट का वाटर प्लांट का एरिया है। सर किसी कारणवश ये जो योजना है खटाई में पड़ी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट आती है जाती है तो सर किसी ने स्टे ले लिया है और फिर काम शुरू कर दिया है। लेकिन सर वाटर प्लांट एरिया होने के कारण हम यहाँ पे जो है बिल्डिंग बनाने का या कॉलोनी बनाने का जो है वो लीगल प्रोसेस पास नहीं कर सकते। तो सर हाँ, बाहर कोई आया आपसे मिलना चाहता है। इसको तुमने बाहर बैठक रखा है? जी हाँ। राम सिंह कहाँ रहता तेरा दिमाग, तुमको पता नहीं चलता किसको अंदर भेजना किसको बाहर रखना है? दिन भर क्या करते रहते हो मोबाइल पे? अंदर भेजो उनको। जी सर। नरेश जी सर हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है सर। आप लोग अभी जाइए। भेजो उनको। आइए। अरे आइए आइए। कैसे आप? बस बैठे बैठे बैठे। और बताइए सर कैसे सब? बस सब बढ़िया है। वो अमित जी के रेफरेंस से आपने कॉल किया? जी जी। अरे राम सिंह, राम सिंह दो चाय। जी सर। हाँ लेके आओ। हाँ बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? देखिए मतीन जी। जी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब दो लोग एक ही सरकार के लिए एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपस में मिलजुल कर काम करें तो बेहतर है। सही है सही। अब जैसा माहौल है वो तो आप भी बेहतर जानते हैं कि ये सरकार कहीं नहीं जाने वाली, काम है नेताजी का। एक बार कर दोगे ना तो दोबारा कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा साहब। हाँ देखिए विशंबर जी, मैं ना बचपन में नाटक करता था तो बड़ा एक प्यारा गाना था उसमें, नाटक में नाटक देखो बे लोगो, नाटक में नाटक देखो। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के नाटक के जैसे एक पात्र को दूसरा पात्र हेल्प करता है, फिर वो तीसरे को हेल्प करता है, चौथे को हेल्प करता है, इसी तरह से मुझे लगता है पूरी दुनिया चल रही है और मैं भी पीछे नहीं देखना चाहता। आदेश कीजिए। यहाँ नहीं, एक एड्रेस देता हूँ मैं आपको, उस एड्रेस पे आ जाइए, मंत्री जी खुद मिलना चाहेंगे। दरअसल एक छोटा सा काम और मैं जानता हूं कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मतलब कुआं खुद ही आया है प्यासे के पास में। और आप आदेश कीजिए। दरअसल क्या है कि हमारी एक कंपनी है छोटी सी, हाँ मतलब हमारी समझिए, ये मिस्टर मुल्क हैं। हेलो हेलो मतीन साहब। अच्छा अच्छा चलिए मैं सीधे और सिंपल तरीके से आपको बात कहता हूँ। रामप्रस्थ जानते हैं? रामप्रस्थ जो है उसके पास एक कॉलोनी है।
वही ग्रीन बेल्ट एरिया वाली। जी हाँ जी हाँ। तो 7-8 साल पहले उसका टेंडर निकला था पर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। ग्रीन बेल्ट जोन है ना, इसलिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब उसकी कीमत कम से कम 225 करोड़ होगी। जी हम वो ऑब्जेक्शन रिवोक करवा रहे हैं। कोर्ट जो है अथॉरिटी से क्लियरेंस मांगेगा। तो लास्ट टाइम अथॉरिटीज की तरफ से ये केस एडवोकेट बांगूर हैंडल कर रहे थे। जी सर। वो हैंडल कर रहे थे, अब वो रहे नहीं तो। मतलब आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए? कम कहने पे बहुत समझ लेते हैं आप। 1 करोड़ हार्ड कैश। आइए मतीन साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए भाई, क्या बात है। आपने तो पहली बॉल पे ही ऐसा सिक्सर मारा है कि बस पूछिए मत। बैठिए बचपन से ही। हाँ। भाई हमारे पास पहले भी आदमी थे जी, लेकिन आदमी क्या थे, बंदर थे जो अदरक भी खाते थे और स्वाद भी नहीं पता था। लेकिन आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? बिल्कुल सर, मेरे लिए ये काम समझिए कि मूंगफली खाने जैसा था। लेकिन मंत्री जी, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, बढ़ जाती है। नहीं सही कहा आपने, बरसात भी करवा देंगे। चिंता मत कीजिए, उड़ना बहुत जरूरी है जी। मैं यहाँ के लोगों को उड़ना नहीं आता है। मैं बचपन में मारियो गेम खेलता था। आपने खेला? हाँ, मारियो गेम। हाँ, उसमें उड़ उड़ के उछल उछल के सिक्के लेने होते थे। सिक्के मिलते थे तो लाइफ मिलती थी, और लाइफ रहती थी तो एंड तक रानी मिलती थी। ऐसा ही अपॉर्चुनिटी और सक्सेस का नाता है। अपॉर्चुनिटी सिक्के, अपॉर्चुनिटी का ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए तो न सिक्के मिलते हैं, ना लाइफ, और ना ही रानी मिलती है। अब लाइफ रहेगी तो सेट भी हो जाएगी। अब होता क्या मतीन साहब कि सक्सेस मिलते ही ना दुश्मन जो है वो फ्री में मिलते हैं। खैर एक काम और है आदेश, और इस बार की तरह भी हमें पूरा यकीन है कि आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मंत्री जी, जो लोग ओखल में सर डालते हैं ना वो मुसल से नहीं डरते, बताइए। सिटी का जो वेस्टर्न हाईवे है उससे थोड़ा आगे जाओ 4-5 किलोमीटर तो लेफ्ट पे आप लोगों ने एक सिंगल लेन की सड़क बनाई है। हाँ हाँ हाँ। और जहां तक मुझे याद है कि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है। जी हाँ। उस सड़क पे 3-1 किलोमीटर आगे जाके शहर खत्म हो जाता है, वहां से गांव और उसकी जमीन शुरू हो जाती है। क्या नाम है गांव का? बकरमपुर। बकरमपुर। वहां पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, उस पे अब हल नहीं चलता। कल्टीवेशन लैंड एक्ट के अंडर आती है जमीन, और एग्रीकल्चर के अलावा वहां कुछ हो नहीं सकता, और यहीं पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें एग्रीकल्चर आता नहीं है। और आपको जो आता है वो वहां हो नहीं सकता। लेकिन वहां वो हो सकता है जो आपको आता है। कल्टीवेशन लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दीजिए, किसानों को मुआवजा हम दे देंगे। पर इतना पावर तो सिर्फ सीएम के पास होता है। जानता हूं, लेकिन क्लियरेंस तो आप ही देंगे ना। और इस बार 5 करोड़। मतीन साहब, जो यहां लिखा है वही अंदर भी है। नहीं, मैं पिछले 25 साल से अपने सिगरेट का ब्रांड नहीं चेंज किया।
इसलिए जब भी कोई ऑफर करता है तो एक बार देख लेते हैं। हम भी साथ चलेंगे, और वो जो लाला जी है ना बकरम गांव वाले, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग लेकी कराइए, वो जमीन का टुकड़ा देख आइए और सोचिए कैसे करना है। तब तक हम आपके लिए दूसरे सूटकेस का इंतजाम करते हैं। आप भी पैक बना लें। हाँ जरूर जरूर। ये जो पहाड़ी देख रहे हो ना सर जी, कौन से? ये वाली पहाड़ी। हाँ, वो वाली पहाड़ी जी। इस पूरे एरिया को नथू का टीला कहते हैं। यहाँ से लगकर ये सारा एरिया 5,000 एकड़ जमीन होगी। ये पूरी जमीन पे खेती होती है? खेती कहाँ अब लोग करते हैं सर जी, सबके बच्चे शहर चले गए। हाँ। और कुछ उगता भी तो नहीं है यहाँ। क्यों उगता क्यों नहीं है? ये लाल मिट्टी की वजह से कुछ नहीं उगता। फेरस, वो जो आयरन ऑक्साइड होता है ना मतिन जी, वही ज्यादा इस मिट्टी में। पर हमने तो सुना है कि लाल मिट्टी में खेती अच्छी होती है। हाँ होती थी ना, हम लोग कपास की खेती करते थे, ज्वार बाजरा, पर अब खेती में कुछ पैदावार होती नहीं, कुछ मुनाफा भी नहीं रहा। साहब जी, मिट्टी में खून उतर गया है, खून। जैसे ऐसा लगता है ये बदला ले रही है, पुराना हिसाब चुका रही है। चला चलिए। अभी मैं टुकड़ा देख के आ रहा हूं। आप जिस टुकड़े की बात कर रहे थे वो 5,000 एकड़ है। अब देखिए मतीन साहब, 1,00,000 हेक्टेयर के मुंबई महानगर में 5,000 एकड़ का तो टुकड़ा ही हुआ ना। हम तो आपके अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, आपके लिए तो टुकड़ा ही है। आप उस टुकड़े की कीमत जानते हैं? उस टुकड़े को एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करने में मुझे कितने टांगों के नीचे से गुजरना होगा, पता है आपको? अब टांगों के नीचे से गुजरने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? 5 करोड़ में नहीं होगा, नहीं होगा। मतीन साहब, एक तो होता है अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा, पर लोग बहुत अच्छे के चक्कर में अच्छे को छोड़ देते हैं और वो ये भी भूल जाते हैं कि अच्छे को उनसे भी अच्छा कोई और मिल सकता है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, सबक दे रहा हूं। खान साहब, दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, हर चीज। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? एक कॉल करूंगा, सारा पोल खोल के रख दूंगा, ये जो ईमानदारी का चोंगा पहन के रखा है ना आपने, उतार दूंगा इसको मैं। मतीन खान साहब, लाइफ जो है ना एक वन वे स्ट्रीट की तरह होती है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, कितने भी डिटोर कर लो वापस नहीं जा सकते। और वैसे भी जब ट्रैफिक आपकी डायरेक्शन में नहीं चल रहा हो तो ट्रैफिक के साथ जाने में ही समझदारी है, वरना कई बार ऐसा होता है कि वन वे स्ट्रीट में डेड एंड आ जाता है। बूम। तीर चलाने के लिए धनुष को उतना ही खींचना चाहिए जितने में तीर चल जाए, बाकी अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको कि उड़ता तीर कभी नहीं लेने का और ना ही खुद को उड़ा के तीर के पास ले जाने का। ये नक्शा अगर आपने देखा तो यहां पर एक 35 फुट का नाला है,
सर ये 1990 में नहर हुआ करती थी। अच्छा। इसके बाद में फिर इसका रास्ता बंद कर दिया गया और ये जो विकास नगर है उसका जो बड़ा नाला है वहाँ पे जोड़ दिया गया। सर ये जो है 200 प्लॉट्स है, इनके नक्शे पास हो गए और जो ये रास्ते के दूसरी तरफ जो ये 350 प्लॉट्स है ना उनके भी नक्शे हमने बनवा लिए। उसको सर गवर्नमेंट की तरफ से विधायक कॉलोनी कहते, तो इसके लिए सर हमने एक प्रोटोटाइप बनवाया है। मतलब सर जितना एरिया और यूज कर सकते हैं और कितने तरीकों से हम इसे मॉडर्न आर्किटेक्चर में बना सकते हैं। फाइल सबमिट कर दिया सर। ठीक है तुम जाओ। हेलो मतीन जी, उस दिन का मुझे काफी बुरा लगा और मंत्री जी को भी बुरा लगा। आप तो जानते ही हैं ईगो क्लशिस होने से काम नहीं बनते और उनके कहने से मैंने खुद ही वो वीडियो भी डिलीट कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके पैसे बढ़ा दिए जाए और कह रहे थे कि जब मिलजुल कर साथ में बिजनेस करना है तो एक दूसरे के रिलेशन का तो रिस्पेक्ट के साथ ख्याल रखना ही पड़ता है। 25 करोड़ अब 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 25 तो बनता ही है आपका, ताकि आप भी सुखी ना रहे और हमारा भी पेट भरा रहे। मैंने तो कह दिया मंत्री जी से, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बस इसीलिए उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ एडवांस दे दे। अचानक से इतना कैसे जमीन जाग गया आप लोगों का? जमीन नहीं जागा मतीन जी, इट्स जस्ट अबाउट रिलेशन। कुछ भी करने का लेकिन रिलेशन खराब नहीं करने का। ठीक है आप शाम में आ जाइए, अपना सूट कैसे ले जाइए, सेम जगह। ठीक है मिलते हैं। अरे आइए सांबर जी। आइए मतीन जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं बैठिए। और कैसे हैं? सोफा तो बहुत बढ़िया आपका जी। और बताइए। बस आनंद है एकदम। आप तो सरकार हमसे खफा ही हो गए। मैं? हाँ। अरे नहीं मैं खफा उफा नहीं होता, क्या खफा हूँगा मैं। लेकिन एक बात बताइए, आप तो थे वहां उस दिन, जो भी हुआ वो किसी भी एंगल से सही नहीं था। वही ना, इसलिए मंत्री जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई झुकने में। और इसमें बड़ा छोटा क्या है, आदमी अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। वो तो है, किसको कहाँ झुकाना है और कहाँ खुद झुकना है बस यही आना चाहिए। वो जो फलों वाला पेड़ होता है ना खनसप, बस वही झुकता है। विशंबर जी हमने भी दुनिया देखी है, जो पेड़ जितना फल देता है ना लोग सबसे पहले उसी पेड़ को काट देते हैं। और हमारा तो रोज का है ये सब देखना। और मंत्री जी से मुझको पर्सनली क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भैया आप 10 रुपए खा रहे हो तो 4 पैसा हम भी रख लिए, हम भी मांग लिए। नहीं मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ। क्या होता है ना खान साहब, एक तितली का कीड़ा होता है, तितली का कीड़ा समझते हैं ना आप? तितली का कीड़ा वो कैटरपिलर। हाँ कैटरपिलर, तितली का कीड़ा। वो ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। तब तक उस पेड़ को खाते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए। फिर दूसरे पेड़ पर चल देते हैं, तो वैसे ना कीड़ा खत्म होता है और ना ही जंगल में पेड़। तो जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, कीड़े चलते रहेंगे, पेड़ मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे। ये तितली के कीड़े के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको। जी जी बताइए। इसको अगर इस विस्की में डालो ना तो पहले जी भर के पीता है, फिर उस नशे में तैरता रहता है। खोज के बाद पता चला कि उस कीड़े को खुद पता होता है कि उसे तैरना नहीं आता है। अच्छा। फिर भी वो विस्की पूरी पी जाता है, इसलिए पीता है ताकि उसे दर्द कम हो। कमाल। मेरे बच्चे हैं घर पे, ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? At 800 meters, take the first exit and turn left on the Chaco Village Street. भैया यहीं गाड़ी लेफ्ट में लगा दीजिए। जी मैम।
मैम ट्रिप एंड करूं? पैसे वॉलेट से काट लीजिए। जी ओके मैम। थैंक यू भैया। हेलो सुन, एक पैकेट डिलीवर करना है। हाँ तो जल्दी से आ जा। क्या अभी आना है क्या? हाँ एकदम अभी। ठीक है नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार, ये लो, ये रहा एड्रेस। सीनियर रिपोर्टर है, मैडम तक पहुंचा देना। बात तो ये है कि जब तुमसे ये क्या गया नहीं काम पे अभी तक? उसको छोड़, तू तो चला जा। अरे हम कहां पकड़े हैं, जा ही रहे हैं। हाँ तो जाओ, मूड ठीक करिए, आप थोड़ा रेस्ट कर लिया करिए, इतना काम करते रहते। अच्छा काम पे जा, काम पे जा रहे हैं। क्या करो वो चांदनी रात, जब उस रात किसी के सीढ़ियों से चलने की आवाज या आहट नहीं आई होती तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो बात थी है या रहेगी उसका साक्षात प्रमाण एक चुंबन के रूप में प्रस्तुत होता। तो मानू न मानू, बात तो है। महक मखीजा? Yes. जी आपको कोई? कहाँ से आया? कोई सुरेश है दिल्ली से। एक मिनट। जी साइन कर दीजिए प्लीज। जी साइन। हेलो क्लीनर। हाँ एक पैकेज है डिस्पोज करना है। एड्रेस बता। लिख एड्रेस, 114 बाराबंकी रोड। मैसेज कर दे। अच्छा सुन। हाँ अकाउंट नंबर मालूम है ना तेरे को? हाँ मालूम है, 50 डाल दिया 50 काम होने के बाद। ठीक है ओके। हेलो। हाँ बोल।
यार तेरे से मना करा था ना, ये गटी बटी लाशें मत दिया कर। तो तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे से पूछ के काम क्या करेंगे क्या? पैसे मिल रहे हैं तेरे को? यार मैं तो अपनी चॉइस बता रहा था, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे से पूछी किसी ने तेरी चॉइस? तू चुपचाप काम खत्म कर, निकल उधर से। सॉरी, ठीक है भाई। मैडम वो एक्चुअली गाड़ी मेरी खराब हो गई है। भैया आपको कितना टाइम लगेगा? मैं यहाँ जेटी पे वेट कर रही हूँ। हाँ, आपका काम करिए ना, दूसरी गाड़ी बुक कर ली। भैया ऐसे थोड़ी होता है, बुक किया तो आना ही पड़ेगा। आपको सॉरी मैम। हमने एक स्टार दिया है। हेलो। अरे तुझे एक स्टार क्यों मिला? वो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई जी? तेरी तो गाड़ी अभी भी जीपीएस पे भागती हुई दिखा रही है। और ये बहाने मत बनाया कर, काम नहीं करना होता तो बता दिया कर, 10% कटेगा तेरा। अरे 300 गाड़ियां हैं और 300 ड्राइवर हैं, हर बार तेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम होती है? तेरी गाड़ी खराब होती है। लेकिन सर 3-4 कस्टमर ने पिछले हफ्ते भी कंप्लेंट की थी, फीडबैक बहुत खराब है तेरा। नहीं होता तो हिसाब कर ले अपना। हाँ बोल। अच्छा एक पैकेज है मेरे पास। कब तक लाएगा? रास्ते में हूँ। पैसा तेरे अकाउंट में आ जाएगा। तेरे घड़ी में टाइम देख। 12:30। कोशिश करना 2 बजे तक आ जा। 2 बजे शिफ्ट चेंज होती है, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे हवा कम करना। ओए गाड़ी की चाबी निकाल। हाँ मदन। हाँ बोल। अरे थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, पैकेज मेरे हाथ से निकल गया। क्या चुतियापा कर लिया? वो सब बाद में बताऊंगा यार। तेरे को बोला था ना, अभी तो 2 बज गए, अभी सब चेंज हो जाएगा, मैं आ नहीं पाऊंगा। तू एक काम कर, एक नंबर नोट कर। हाँ एक सेकंड। चिरंजीवी। हाँ एक चिरंजीवी। नंबर है 777-88-88-235-235-442-442। ठीक। कौन है? राजेश्वर बिल्डर के यहाँ न्यू कंक्रीट भरता है, मेरा दोस्त है। अच्छा। काम हो जाएगा तेरा। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। और सुन मुझे फोन करते रहना, रात को अपडेट देना, मैं रात भर सोऊंगा नहीं। हाँ जैसा वो बताना। अच्छा ठीक है। ओके तो है। प्रेस स्टार फॉर एक्टिवेटिंग योर जीपीएस। प्रेस हैश फॉर डिटेक्टिंग योर व्हीकल। Head towards east and take right towards Masjid Mart. Hey Madan, ek address note kar. Madhuban Lodge, Maloni. Aate samay ek shanai liye beta. हाँ जल्दी आ।
डिक्की खोल। चाबी? मैं चाबी होती तो तेरे से पूछता मैं। ये बात है। हाँ। पैकेज तो इसी में था ना? अभी नहीं है। बजा दे। हाँ बोलिए साहब, रूम चाहिए क्या? हैं जी, रूम चाहिए। नहीं, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें जो लोग हैं उन्होंने बुलाया। आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर? हाँ डॉक्टर हैं, ये मेरा। हाँ। अच्छा किया साहब आप आ गए। हाँ। रात को उस लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। मरी तो नहीं ना? नहीं नहीं साहब, मरी तो नहीं है, लेकिन तबीयत बहुत खराब थी रात को। अच्छा चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, आप मुझे रूम नंबर बता दीजिए, हम सब देख लेंगे। अजय कुमार, रूम नंबर 208। 208, थैंक यू। अबे तू गाना गा रहा था? गाना? गाना नहीं, वो कविता थी, कविता। तूने लिखी? नहीं। हाँ? ना। गौर क्या रहा है? अबे रूम नंबर देख रहा हूँ, 208। बहुलिया चेंज कर ले पहले। रूम क्लीनिंग। हेलो। हाँ चिरंजीवी बोल रहे? हाँ बोल रहा हूँ जी। मुझे मदन ने नंबर दिया था। मदन? कौन मदन? ये पीके मेटल्स में जो काम करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मदन ने बताया था मुझे कि आपका फोन आएगा जी। आपको माल दबाना था ना कुछ कंक्रीट में? जी 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 जी। हाँ हाँ, तो फिर आ जाइए। आप कब तक आएंगे? जी मैं बस रास्ते में हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस तो मैं बता दूंगा, लेकिन है क्या पैकेट में जी? अरे जो माल दबाना है उसमें क्या है? मदन ने बताया नहीं आप? अरे मदन तो मेरा बचपन का दोस्त है, बोला हेल्प चाहिए, बोला कुछ माल डिस्पोज करना है, कंक्रीट में दबा दे। मैंने हाँ बोल दिया। चक्कर क्या है ना कि कोई खोद के तो देखेगा नहीं कि कंक्रीट में क्या है। उसने कहा कि पैसे भी देंगे, तो मैंने हाँ बोल दिया। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या है कि आइडिया तो होना चाहिए ना कि क्या दबाना है, तो क्या है माल? अरे ये तो हमारी सना है, जल्दी आओ। सना? सना ये क्या हो गया तुम्हें? सना? सना? ये तुम्हारी हालत किसने की? बेटा क्या हुआ? ये कैसे हुआ? सना? सना ये खून? ये खून के साथ? नहीं बेटा नहीं। सना? देखो हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। चलो चलो गाड़ी में बैठते, चलो घर चल के बात करते। चलो चलो बेटा, चलो चलो यहाँ से। चलो बेटा, ये खून, चलो मम्मी इधर इधर। हम आ गए बेटा।
मंत्री जी, ये कौन? ये वही नाली का कीड़ा है जिसकी वजह से तू हमारे सर पे नाच रहा है। तू हमारे लिए काम करना चाहता था ना? हाँ तो कर। क्या उड़ा दे इसको, उड़ा दे। पता तो चले कि तू सिर्फ आवाज ही करता है या काटता भी है। इसको उड़ा दे और लाश नहीं मिलनी चाहिए। ये हाँ क्या नाम, सर्विस पिस्तौल है तो इससे केस का लफड़ा हो सकता है। तो नहीं चलती है, चलानी पड़ती है। क्या बोल रहा था तू? तू मारेगा? मां के लवड़े मारेंगे तो हमें। ये मारेंगे तो
subscribe now and press the bell icon.